हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम जस्ट वन ये रेक्टेंगल पीस है उसमें से बहुत ही प्यारे से दो DIY बनाने वाले हैं। जस्ट वन और बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल है, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए मैजिकल सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा नाप मैं आपको रेक्टेंगल पीस का बता देती हूँ। तो 34 बाय 36 इंचीस है। जहाँ पे 36 इंचीस है वहाँ पे हम 9 इंचीस पे नीचे से मार्क करेंगे, फिर 9 इंचेस पे ऐसे बॉक्स बनाएंगे नीचे की ओर, और फिर जो 9 इंचेस पे मार्किंग किया है वहाँ पे सामने की साइड 9 इंचेस पे ऐसे मार्क करके दोनों मार्क को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देखिए इसी तरीके से आप इसके सामने की साइड भी मार्किंग करना है। देखिए इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए 9 इंचेस का नीचे से बॉक्स बनाया जहाँ पे 36 इंचेस है, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे करना है। 9 इंचेस पे हमने ऐसे मार्किंग की है और फिर 9 इंचेस पे ऐसे सीधी लाइन कर लेनी है आपको। नीचे से हमने 9 इंचेस पे मार्किंग कर ली थी और फिर ऊपर का जो 9 इंचेस है उसे मिला लेना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम 2 फिंगर पे या फिर 2 इंचेस पे कट लगा लेंगे। ये जिप अटैच करने का सबसे इजी तरीका है और आप इस तरीके से जिप अटैच कर लीजिए। अगर कोई ऑर्गेनाइज़र आप बना रहे हैं और आपको जिप अटैच करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो ये तरीका बहुत अच्छा है। तो आप जिप अटैच कर लीजिए, फिर प्रेस स्टिच कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे प्रेस स्टिच करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और सीधा स्टिच कर लेना है। यहाँ तक स्टिच करें, फिर प्रेस स्टिच करें। उसके बाद ना आपको क्या करना है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 9 इंचेस पे मार्किंग की थी तो वो कट करेंगे इस तरीके से। अब सामने तक हमने सीधी लाइन खींची थी तो इस तरीके से दोनों साइड से आपको कट करना है। देखिए यहाँ पे हमने 9 इंचेस पे मार्किंग की थी और उसे कट कर लेंगे। तो ये जो दो साइड से पार्ट हमने निकाले हैं उसे साइड में रख देंगे अभी। और अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच करना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टिच करना है, ऐसे दोनों साइड स्टिच करके अब ऊपर का जो पार्ट है उसे स्टिच करें। इस तरीके से पूरे में आपको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपको इसे सीधा कर लेना है और अब क्या करेंगे, आपको इस तरीके से दबाते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है ताकि रेशे बिल्कुल भी ना निकले। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है टॉप स्टिच। अब हम इसके अंदर बहुत सारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अलमारी में, बहुत सारी जगह में। एक साइड आप अपने जो भी कपड़े हैं वो रख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कपड़े, आप सूट वगैरह है आपके, सलवार है, कमीज़ है, जो भी है वो अच्छे से आप रख सकते हैं। देखिए कितनी सारी कुर्तियाँ हैं और सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर रह जा रही हैं। और ज़्यादा रखेंगे फिर भी ये अच्छे से रहेंगी क्योंकि इसके अंदर ऊपर से भी हमने सेंटर से जिप को अटैच किया है, इसकी वजह से आप ऊपर तक रखेंगे तो भी अच्छे से रह जाएंगी। अब हम जाते हैं सेकेंड आइडिया के तरफ। तो दो हमने जो स्ट्रिप बचाए थे उसे हम जोड़ लेंगे और प्रेस स्टिच करेंगे। फिर एक जिप ले लीजिए और यहाँ पे अटैच कीजिए जहाँ पे कम लंबाई है वहाँ पे, और फिर प्रेस स्टिच करें। आपको रेक्टेंगल पीस बना लेना है, फिर सामने की साइड स्टिच करें और इसे खोल के प्रेस स्टिच कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद रनर डाल दें। रनर डालने के बाद इसे कर लीजिए उल्टा। उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड से यहाँ पे आपको 2 इंचेस पे मार्किंग करनी है फ्रंट और बैक साइड। सारे कॉर्नर पे आपको मार्किंग कर लेनी है फ्रंट और बैक साइड। फिर दोनों मार्किंग को आपको मिलाना है और स्टिच करना है ऐसे। देखिए जो फ्रंट और बैक साइड से हमने मार्किंग किया है जो आगे पीछे उसे मिला लीजिए इस तरीके से, प्लेट ले लीजिए। ऐसे ही सामने के कॉर्नर पे आपको करना है, अच्छे से प्रेस करके आपको इस तरीके से करना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है आमने सामने दोनों साइड।
देखिए इसमें कुछ कट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक रेक्टेंगल पीस लेना है और इस तरीके से प्लेट लेके रेडी करना है। और फिर हम यहाँ पे रेशे ना निकले इसीलिए आपको क्या करना है, स्ट्रिप ले लेनी है और इसे ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। फिर इसे ऊपर की ओर फोल्ड करें ऐसे और इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लें। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। और अब आप हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, बहुत सारा पेस है। तो देखिए एक जस्ट वन रेक्टेंगल पीस से हमने दो DIY बना ली। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय भारत।